आप देख रहे जनमत आवास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। एक सप्ताह पूर्व बारिश के कारण मोहना नदी में बाढ़ आने से फोपनार और आसपास के गांव में तबाही मच गई थी, जिससे कई लोग बेघर हो गए थे। इसी का जायजा लेने सांसद मौके पर पहुंचे और सभी को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिया है। बुरहानपुर जिले में शनिवार को 24 घंटे तक हुई तेज बारिश ने जिले में भारी तबाही मचाई। मोना नदी में आई बाढ़ से जसवंती, फोपना, सीतापुर, अंबाड़ा सहित कई गांवों में पानी घुस गया था। इसमें 300 से करीब मकान डूब गए या पानी के बहाव से बह गए। शुक्रवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारी बारिश से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों की रहने भोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, अधिकारी, जनप्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों के घर जाकर उनसे चर्चा की और उन्हें 40 किलो गेहूं, 10 किलो चावल का फूड कूपन भी दिया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। किसी ने कहा मेरा घर बह गया तो किसी ने कहा मेरे पास कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा, जिस पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि सरकार आपके साथ है, आइए देखते। देखिए, जब यहाँ पर बाढ़ आई और उस समय क्योंकि लोकसभा सत्र चल रहा है उसके कारण मैं दिल्ली में होने के कारण नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे ही मुझे खबर लगी तत्काल कलेक्टर मैडम से बात करके कलेक्टर मैडम ने और हमारे सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना चाहिए थी वो सहायता देने की कोशिश की है, ताकि वो कम से कम पेट भोजन करके। हमने देखा कि बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पूरे के पूरे दबा हो गए, कई लोगों के पास में खाने का भी सामान नहीं बचा, जो शरीर पर कपड़े थे वो कपड़े ही उतने बचे थे। लेकिन ये हमारी शिवराज जी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार हमेशा दुख की घड़ी में हर देशवासी और जनता के साथ में खड़ी है और तत्काल जो सहायता देना चाहिए थी वो सहायता देने का काम हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। और जो लोगों के पूरी तरह से मकान नष्ट हो चुके हैं उनको भी अभी सर्वे हो गया, लगभग 550 के आसपास लोगों को के सर्वे हो चुके हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो किसी को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सरकार की तरफ से पूरे हर संभव मदद देने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा, ताकि ये गरीब फिर से अपना जीवन यापन व्यवस्थित ढंग से शुरू कर सके। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग, शासन, प्रशासन, हमारी सरकार सब लोगों के साथ में है और यथासंभव जो भी होगा वो मदद करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। माननीय सांसद जी, आपने अधिकारी को निर्देश दिए कि अन्यत्र जगह पर इनको विस्थापित किया जाए, इसको लेके क्या कहना? देखिए, स्वाभाविक है कि नदी किनारे है, लेकिन क्या होता है कि जगह, लोगों को जगह नहीं होती तो जहाँ जगह मिलती वहाँ स्थापित हो जाते, लेकिन ये नदी है, ये कब बाढ़ आ जाएगी, कब क्या होगा, ये तो प्राकृतिक आपदा किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ना प्रशासन के हाथ में, ना सरकार के हाथ में। और वो तो अच्छा हुआ कि कम से कम दिन में हो गया, यदि रात में होता तो कितने सारे लोग इसमें प्रभावित होते, कितने सारे लोगों की जान चली जाती, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन हमने बात करी है कि जिस तरह से अभी हमने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिन लोगों के पास जमीन नहीं है ऐसे लोगों को जमीन के पट्टे देने का काम की शुरुआत कर चुके हैं। अभी 1.5 महीना पहले ही हमने इच्छापुर के अंदर भी गरीब लोगों को पट्टे वितरित किए, यहाँ पर भी 2 हेक्टेयर के करीब जमीन चिन्हित की गई है और उसमें भी जल्द से जल्द जो प्रभावित लोग हैं पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको वहां स्थापित किया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से पट्टे दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से पट्टे देने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उनके नाम शामिल करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया।